नमस्कार, कक्षा पंचमी विषय पर्यावरण, जिसमें पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था वो था खेजड़ी आंदोलन से संबंधित। उसमें अमृता देवी ने नेतृत्व किया, उसमें 363 लोगों की मृत्यु हुई, उन्होंने अपना बलिदान दिया वृक्षों को बचाने के लिए। इसके बारे में हमने पढ़ा हम किन किन पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पूजा करने का कारण क्या है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पाठ 7 वृक्षों की महिमा में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वन संपदा संरक्षण। वन संपदा यानी ये जो वन है, ये जो जंगल है, इनको सरकार ने कानून बना के संरक्षित किया ताकि कोई भी व्यक्ति इन जंगलों को नुकसान ना पहुंचाए और ये जंगल खत्म ना हो। तो ये सब करने के लिए सरकार ने कानून बनाया। तो इस पाठ में जो है वो है भंवर और योगीराज नाम के दो भैया का अपने गुरुजी से कुछ जो प्रश्न उनके मन में आते हैं वो आपस में पूछते हैं अपने गुरुजी को। तो जो भंवर है वो एक दिन विद्यालय छुट्टी पर था, तो सभी ने पूछा कि आप कहाँ थे, तो उन्होंने बताया कि मेरे गांव में कोई लोक देवी देवता का कोई मेला हो रहा था, वहां मैं गया हुआ था। तो वो बताता है कि वहां जब मैं गया तो वहां के आसपास की जो भूमि है वो एक ओरन के जैसी थी, चारागाह के जैसे कह सकते हो, ओरन के जैसे कह सकते हो। तो भंवर पूछता है कि तुम्हें क्या पता, तो वो बताता है कि उस भूमि को जब मैंने देखा तो मुझे यूं लगा कि जैसे इस भूमि पर कई वर्षों से कोई कुल्हाड़ी नहीं चली है पेड़ों पर। तो फिर वो भैया और जवाब पूछते हैं उससे, तो वो कहता है कि इससे आगे की जो जानकारी होती है वो हम गुरु जी से पूछते हैं। तो वो गुरु जी के पास आते हैं और क्या पूछते हैं ये बताते। तो योगीराज जाकर कहता है कि ये चारागाह और ओरण किसे कहते हैं। तो भंवर कहता है कि मैंने ऐसी ऐसी भूमि जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं परंतु कोई भी गांव का व्यक्ति उस जमीन पर कुल्हाड़ी नहीं चला सकता, वहां का एक भी पेड़ वो काट नहीं सकते, वो भूमि गोचर या चारागाह के रूप में ओरण के रूप में की गई। तो ओरण भूमि किसे कहते हैं, तो पहले के जमाने में लोगों के अंदर वनों के प्रति जन चेतना या उसके प्रति आदर भाव रखने के लिए जो लोग होते थे वो क्या करते थे, अपनी भूमि का कुछ हिस्सा किसी संत महापुरुष के नाम पे, किसी लोग देवी देवता के नाम पे उस भूमि को छोड़ दिया करते थे। फिर उस भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई भी उनका अधिकार नहीं होता था। वहां पर जो चारा होता था उसको गाय भैंस पशु इत्यादि उसको चरते हैं और वो भूमि किसी भी प्रकार से अब किसी भी व्यक्ति